नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं चलो मैं हूँ आपके साथ प्रीति। पेड़ पौधों का जीवन में बहुत महत्व है। सीधे शब्द में कहा जाए तो इनसे ही जीवन है। इसके अलावा पेड़ पे लगने वाले स्वादिष्ट फलों से हमें कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा ही पेड़ भी है जो इतना जहरीला है कि इसे दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ कहा जाता है। इस पेड़ का नाम है मेसिमेल। ये पेड़ फ्लोरिडा और कैरेबियन सागर बीच तटों पर पाया जाता है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर साइंसेस के मुताबिक मेसिमेल का हर एक हिस्सा काफ़ी खतरनाक है। पेड़ के किसी भी हिस्से के संपर्क में आना और उनका सेवन घातक हो सकता है। पेड़ से एक तरह का दूध जैसा रस निकलता है जो काफ़ी गाढ़ा होता है। यह रस पेड़ के हर हिस्से जैसे छाल, पत्तियों और फलों पर भी होता है। अगर त्वचा पर उसकी एक बूंद भी गिर जाए तो बहुत तेज जलन महसूस होती है। इस रस के अंदर कई जहरीले तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक फॉर्मोल पाया जाता है। इसकी वजह से बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे खड़ा रहना भी खतरनाक हो जाता है। दरअसल फॉर्मोल बहुत तेज़ी से पानी में घुल जाता है। जब बारिश होती है तो पानी की बूंदों के साथ मिलकर वो नीचे गिरता है और आपकी स्किन पर काफ़ी तेज जलन महसूस होती है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मेसिमेल की लकड़ी को जलाने पर उसके धुएं की वजह से लोगों की आंखों में सूजन आ गई और कई तो अस्थायी रूप से अंधेपन का शिकार हो गए। धुआं अगर शरीर के अंदर चला जाए तो वो और खतरनाक हो जाता है। इसी कारण से लोगों को इस पेड़ में संपर्क में आने से रोकने के लिए और इसके फलों को खाने से रोकने के लिए पेड़ों के आसपास बोर्ड भी लगाए गए जिसमें इस पेड़ के जहरीले होने और उसे दूर रहने की चेतावनी दी गई है। गलती से इसका फल खा लेने पर निकोला स्ट्रेटले नाम की एक वैज्ञानिक मरते मरते बची थी। ये बात 1999 की है। स्ट्रिकलैंड अपनी एक दोस्त के साथ कैरिबाई द्वीप टेबू घूमने आई थी। वह जब बीच पर टहल रही थी तब उनको एक हरा फल दिखा जो सेब जैसा दिख रहा था। फल तो बहुत ही मीठी सुगंध आ रही थी। उन्होंने फल को चखने का फैसला किया। छोटा टुकड़ा खाया। पल भर के अंदर ही उनकी सारी खुशी गम में तब्दील हो गई। उनको जलन सी महसूस होने लगी, गला जाम सा होने लगा। उनकी इतनी हालत बुरी हो गई कि फल को निगला तक नहीं जा रहा था। खैर, समय रहते उनको उपचार मिल गया। उनकी हालत सही होने में करीब 8 घंटे लगे थे। मेसिमेल के पेड़ की ऊंचाई लगभग 50 फीट तक होती है। इसकी पत्तियां चमकदार और आकार में अंडाकार होती है। वैसे तो यह पूरा पेड़ ही जहरीला माना जाता है, लेकिन इसका फल सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। हालांकि ये जहरीला फल भले ही हो, लेकिन स्थानीय पारितंत्र में इस पेड़ का अहम भूमिका है। ये पेड़ कैरिबियाई सागर के तटों पर पाया जाता है और मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होता है।